हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A52 में और रियलमी X7 प्रो में, और देखते हैं बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो सैमसंग की है 6.5 इंच की, रियलमी की है 6.55 इंच की, और दोनों फ़ोनों का रेजुलेशन फुल HD में दिया गया है। दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और आपको सैमसंग में 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और रियलमी में है 120 हर्ट्ज़ का। और बात की जाए प्रोसेसर की, सैमसंग का है स्नैपड्रैगन का 720G का, CPU है 2.3 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और रियलमी का जो प्रोसेसर वो मेटेक का है डायमेंसिटी का 1000+ का, और CPU है 2.6 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और प्रोसेसर के मामले में रियलमी बेस्ट है। बात की जाए बैक कैमरे की तो दोनों का क्वाड में है, सैमसंग का 64+, 12+, 5+5 मेगापिक्सल का, और रियलमी का है 64+, 8+2+2 मेगापिक्सल का। और बात की जाए फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और बात की जाए बैटरी की, दोनों में सेम है 4500 mAh की, और दोनों की बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और बात की जाए चार्जर की, सैमसंग में 25 वाट का और रियल मी में 65 वाट का, और दोनों ही फ़ोन में आपको टाइप्स का सपोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी आपको दोनों फ़ोन में मिल जाता है। और आपको सैमसंग में ट्रिपल सिम नहीं मिलती, लेकिन आपको रियल मी में 2 सिम मिलती है, और दोनों की वारंटी है 1 साल की। और बात की जाए रैम की तो सैमसंग में 6 GB 8 GB की और रियल मी में है 8 GB की, और दोनों फ़ोन की मेमोरी सेम है 128 GB की मिल जाती है। और आपको सैमसंग में एंड्रॉयड 11 मिलता है और रियल मी में है एंड्रॉयड 10। और बात की जाए प्राइस की तो सैमसंग का स्टार्टिंग है 26,499 रुपये, और रियल मी का स्टार्टिंग है 29,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई फ़ोन ले सकते हो।